हेलो एवरीवन, 5 मिनट बाकी थी, मुझे लेट हो गया, भाग भाग के आया। अभी मेरी बस खड़ी है पीछे, बस वहीं पे उसमें जाना है। चलिए अभी वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज अगेन लिस्बन में हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये, वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज़ है ये यूरोप का। और पीछे मेरे वो जो लाइन देख रहे हैं आप, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू के टाइम से यहाँ पे कुछ मॉन्क्स थे जिन्होंने पेस्ट्री के अंदर पुडिंग रखा था, वो उनका कुछ एक लोकल उन्होंने बनाया था अपने खाने के लिए, जो उस वक्त से अब तक यहाँ पे काफ़ी फेमस है। तो लोग अभी भी एज अ हिस्टोरिक फूड कल्चरल यहाँ पे खरीदते हैं, और सारे टूरिस्ट स्पॉट, मेरी जो टूर की बस आई है उसमें जितने भी लोग यहाँ पे थे सारे के सारे यहाँ इसी लाइन में लगे हुए हैं वो पेस्ट्री एंड पुडिंग को लेने के लिए चाय के साथ। तो आप अभी दिखाता हूँ कितनी भीड़ है, ये है वो भीड़ सच में। और ये है नाम उस दुकान का, पेस्ट्रीज डी बेलम। बिजी स्ट्रीट एज यूजुअल, बहुत ही सुहाना दिन है, ठंडी हवा और साथ में ही एक कड़ी धूप। आई जस्ट होप कि आज यहाँ कोई अर्थक्वेक ना आए। जी हाँ, अर्थक्वेक से मेरा कहने का मतलब ये है कि पुर्तगाल में बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं और काफ़ी हद तक तेज़ ही होते हैं। मेरे टूर गाइड ने भी मुझे यही बोला कि हर दिन यहाँ पे अर्थक्वेक्स होते हैं, छोटे बड़े, बट अगर छोटा हुआ तो इट्स ओके, लोगों को पता नहीं चलेगा। और ये काफ़ी मेरे लिए टेरिफाइंग न्यूज़ था, मैंने बोला अरे ये क्या, तो उसने हमें बताया कि इट्स वेरी नॉर्मल फॉर हियर, यहाँ होता रहता है। अभी फ़िलहाल मैं एक चर्च के बाहर हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा वो चर्च, इस सिटी का मेन चर्च। और लाइन तो बहुत ही ज़्यादा है, तो अंदर जाने का कोई चांस है नहीं। तो अभी चलते हैं बैक टू अपने बस की तरफ। हाँ, मुजो दी मरियाना, ये है हमारे पीछे टेक सिटी का चर्च और सबसे बड़ा। भीड़ को आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है, फिलहाल मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा हूँ तो साइड हो जाना चाहिए थोड़ा, हम वो देख सकते हैं वो जो भीड़ है उस साइड काफ़ी, अगर उसके अंदर जाते तो तकरीबन 25 मिनट का टिकट। तो अभी फ़िलहाल बैक टू और टू बस, वो हमारी बस है और इसके साथ हम जाएंगे अभी गोल्डन ब्रिज के साथ। ये है जनाब लिस्बन का ब्रिज, जो कि यूएस के गोल्डन ब्रिज के हूबहू है, लेकिन इट इज़ फैंटास्टिक मार्वेलस, इतना खूबसूरत है ये और इतना लंबा, यूरोप के सबसे लंबी ब्रिजों में से एक।
हमारे पीछे क्राइस्ट रिडीमर का फेमस स्टैचू, ये एक कॉपी है, रियल वाला ब्राज़ील में है। इज माई फ्रेंड जफर, पीस, यू लविंग इट? कैसा लगा ये जगह? कॉपी है फिर भी सही है। कॉपी है फिर भी सही है। लोकेशन बहुत अच्छी है। लोकेशन अच्छा है। चलो जफर को पसंद आया, अच्छी बात है। तो ये है वो जो कि एक्चुअल वाला आपको मिलेगा रियो में, ब्राज़ील। और हमारे पीछे गोल्डन ब्रिज का कॉपी कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये यूएस में है, लेकिन ये बिल्कुल यूरोप में सबसे बड़ी ब्रिजों में से।